आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी शोभा यात्रा कमेटी यादव पंचायती धर्मशाला कटरा पुरान जाट मुरादाबाद के तत्वावधान में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ एवं भव्य रूप में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम पालकी पूजन कर महापौर विनोद अग्रवाल के द्वारा नारियल फोड़कर शुभारंभ किया गया। शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण वासुदेव श्री कृष्ण जन्मोत्सव पालकी के साथ साथ मेरठ एवं मुरादाबाद के मशहूर कलाकारों द्वारा झांकियां प्रस्तुत की गईं। अनेकों बैंड द्वारा शोभा यात्रा को संगीत में किया गया। हरे कृष्ण का संकीर्तन करते हुए नगर के धीरशान दास, महामुनि दास एवं देवकी नंदन यादव के द्वारा भी हरिनाम संकीर्तन अनेक भक्तों के साथ किया गया। अनेक स्थानों पर स्वागत एवं भंडारे का आयोजन भी किया गया। शोभा यात्रा कंजीरे सराय से दुर्गा मंदिर, बाजारगंज, टाउन हॉल, ताड़ीखाना होते हुए शिव मंदिर बालाकी सराय पर संपन्न हुई। तत्पश्चात सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। सभी नगरवासी अपने भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा को देखकर हतो उत्साहित हो गए। शोभा यात्रा में सीताराम यादव, केसरी प्रसाद यादव, केदारनाथ यादव, रामाशंकर यादव, मोतीराम यादव, करण सिंह यादव, श्याम सिंह यादव, घनश्याम यादव, विजय कुमार यादव, त्रिलोकीनाथ यादव, दिनेश यादव, यादराम यादव, ओम प्रकाश यादव, पंकज यादव, हेमंत यादव, देवेंद्र यादव, संजीव यादव, प्रेमनाथ यादव, महेश यादव, जगदीश यादव, ताराचंद यादव, राजू यादव, संदीप यादव, विजय यादव, जयप्रकाश यादव, योगेश यादव, संजय यादव, ज्ञान प्रकाश यादव, उमेश यादव, सुधाकर यादव, कांता प्रसाद यादव, अमित यादव, नितिन यादव, श्याम यादव, संदीप यादव, पवन यादव आदि लोग उपस्थित रहे। पंकज यादव, ये हमारा जन्माष्टमी शोभा यात्रा का प्रोग्राम है और जो गत वर्षों चला आ रहा है और बालाजी शिव मंदिर बालाजी साय से प्रारंभ होता है, वहीं इसका समापन होता है। लगभग इसमें 15 से 16 झांकियां हैं और बाहर के देश, यहाँ के बाहर के कलाकार आए हुए हैं। भगवान की शोभा यात्रा है, श्री कृष्ण राधा की शोभा यात्रा है और ये साल ये हम उनकी करते हैं, भगवान जगन्नाथ और राधा की करते हैं, उन्हीं की इच्छा से ये यात्रा निकल रही है और अनंत काल तक निकलती रहेगी। जय जय श्री राधे का।